नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि जब भी वो खाना खाते हैं उनके दांतों में अक्सर खाना जो है फंस जाता है। तो किन किन कारणों की वजह से खाना फंस जाता है इस पे मैंने एक पिछला वीडियो बना दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इसी बेसिस के ऊपर है कि जो खाना आपके दांतों में फंस जाता है उसे कैसे बच सकते हैं। तो ऐसे कुछ टिप्स हैं जिसकी मदद से आप जो है इस परेशानी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इन द डेंटल ट्रैवलर ब्लॉग। जब भी आप लोग खाना खाने बैठते हैं या किसी दावत में जाते हैं तो आपको बहुत लजीज लजीज जो है ना खाने एकदम सामने दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप अपने दांतों को देखते हैं तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, यार ये सब खाने हमारे लिए है ही नहीं, बने ही नहीं है, क्योंकि जो भी खाना खाते हैं दांतों में फंस जाता है, बड़ी परेशानी होती है। तो मैं आपको टिप्स बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं और आप खाने का मजा आराम से ले सकते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना जो है आपके दांतों में फंस जाता है वो ज्यादातर आपके दांतों के बीच की जो स्पेसिंग होती है उसकी वजह से होता है। अगर दो दांतों के बीच में स्पेसिंग कम है लेकिन वहां पे पतला धागा या खाने के जो रेशे होते हैं वो फंस जाते हैं और वो निकलते नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं, आप डेंटिस्ट के पास जाइए और डेंटिस्ट को बोलिए आप कंपोजिट बिल्डअप ट्रीटमेंट कर दीजिए सर, जिसकी मदद से जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है। कंपोजिट जो है एक तरीके का मटेरियल है, फिलिंग मटेरियल होता है। वो क्या करता है, हम दांतों के किनारे किनारे एक लेयर लगा देते हैं कंपोजिट का, जिसकी मदद से जो स्पेस जो है जहां पे खाना फंसता है वो बंद हो जाता है और आप आराम से खाना खा सकते हैं। अगर दो दांतों के बीच में स्पेसिंग काफी ज्यादा होती है तो उस केस में कंपोजिट बिल्डअप जो है फेल हो जाएगा। जो कंपोजिट बिल्डअप आप जो करोगे वो टिकेगा नहीं, वो बार बार निकल जाएगा। तो इस केस में आपको क्राउन लगाना पड़ेगा, आप कैप बोल लीजिए चाहे क्राउन बोल लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि कैप कितने तरीके के होते हैं, कौन सा कैप लगवाए कौन सा ना लगवाए, तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके दो दांतों के बीच में काफी ज्यादा स्पेसिंग है और आपको लग रहा है कि ये क्राउन से भी नहीं ठीक हो सकता है, कंपोजिट बिल्डअप से भी नहीं ठीक हो सकता है, तो इस केस में आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दांत के ऊपर ब्रैकेट्स और वायर्स लगाए जाते हैं जिसकी मदद से आपके दांतों को नेचुरली शिफ्ट किया जाता है और आपके दांतों की जो बीच की स्पेसिंग होती है काफी हद तक खत्म हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम है क्राउन लगाना ना लगाना जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर क्राउन नहीं लगवाना चाहते हैं आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी जो समस्या है आपके दांतों में जो अक्सर खाना फंस जाता है वो है कैविटी की वजह से। आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं जिसे हम बोलते हैं टूथ डिके या डेंटल केरीज बोलते हैं, और उसकी वजह से आपके दांतों में जो है एक गड्ढा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं कैविटी, उसमें अक्सर जो है खाना फंस जाता है। तो उसका सबसे पहले आप ट्रीटमेंट करवाइए। कैविटी अगर है और आपको पेन नहीं हो रहा है तो उस केस में कैविटी को क्लीन करवाइए और उसमें टूथ फिलिंग मटेरियल आते हैं उसमें आप फिलिंग करवा लेंगे तो खाना वहां फंसेगा नहीं। अगर आपकी कैविटी काफी ज्यादा डीप है और उसमें आपको हल्का हल्का पेन हो रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाइए, एक दांत का एक्सरे करवाइए, हो सकता है उसमें आरसीटी हो, और आरसीटी करने के बाद आप उस पर कैप लगवा लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत बहुत लंबे समय तक बढ़िया चले और दांतों में कोई समस्या ना हो तो ये काम आपको करना ही करना है, चाहे आपके दांतों में खाना फंसता है चाहे खाना नहीं फंसता है, ये काम आपको करना पड़ेगा। दो बार ब्रश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार सुबह कर लीजिए एक बार रात में कर लीजिए। नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरे दिन आप खाना खाते हो, वही खाना खा के आप सो जाते हो, खाने जो है आपके दांतों में फंसे रहते हैं, वहीं पर बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, आपके दांतों में सड़न होने लगती है। अगर आपको ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा है, उसे आप क्लिक करिए, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि ब्रश करने का क्या सही तरीका होता है, देखिए
और सही से ब्रश करिए। ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप फ्लॉस नहीं करेंगे तो आपके जो दो दांतों के बीच में जो स्पेसिंग होती है वहां पे खाना जो है अक्सर जमा रहता है और वो क्लीन नहीं होता है, तो फ्लॉस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपको माउथ वॉश करना जरूरी होता है। माउथ वॉश क्या होता है, आपने ब्रश कर लिया, फ्लॉसिंग कर लिया, खाना आपने सारा निकाल लिया, गंदा जो है सब निकल गया, उसके बाद जो है माउथ वॉश क्या करता है, जो जर्म्स रहते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं, उसको किल करता है और एक आपको फ्रेशनेस भी प्रोवाइड करता है। अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा कैविटी हो रही है और वहां पर खाना अक्सर फंस जाता है तो आपको फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी खाना फंसता है आपके दांतों के बीच में, वहां पे क्या होता है, आपके जो मसूड़े हैं हल्का सा जो है स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, वार्म सेलाइन गार्गल, एक आप गुनगुना पानी लीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए और उससे जो है कम से कम दिन में दो बार कुल्ला करिए। मार्केट में बीटाडीन गार्गल आता है, आप उससे भी कुल्ला कर सकते हैं। आप एक गिलास में गुनगुना पानी लीजिए और एक ढक्कन बीटाडीन डाल दीजिए और उससे भी आप जो है माउथ को रिंस कर सकते हैं, काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाएगा, शेयर कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।